ये जो यूनिट है, गैब्रियल है जो डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स हमारे संजय बोस जो मेरे बहुत ही चहेते कंपोज़र हैं, उनकी काम मुझे बहुत पसंद है, तो इनका प्रोजेक्ट था। तो जब मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला। और सीमा सैनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं इस फिल्म में, उन्होंने कुछ फोक सॉन्ग्स और कुछ गाने कंपोज भी किए हैं, दो गाने कंपोज भी किए हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक टीम, और जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और मुझे कोई बता रहा था कि परसों भी यही घटना फिर से दिल्ली में भी हुई है, कि जो बोरवेल बनाते हैं और कई बार गलती से बच्चे जो है वो जाने अनजाने, उस अनजाने में ही होता है ये, बोरवेल में वो गिर जाते हैं। और ये सच्ची कहानी है, किस तरह से गौरिया नाम की एक बच्ची वहाँ फंस जाती है, और 30 घंटे तक किस तरह से उसे वहाँ से निकालने की जो एक जद्दोजहद हुआ, एक अलग कहानी है। माँ बाप का जो दुख है, जो ट्रेजडी है, कि हेल्पलेसनेस जो है वो एक अलग कहानी है। बाकी जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लोग, मीडिया और ये सारी चीज़ें जो उसको मदद की जगह हाईलाइट करके अपना अपना मीडिया बाइट्स निकाल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस स्टोरी, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गाने भी हैं और कुछ सिचुएशनल गाने भी हैं। इसके बारे में संजय सिंह मां भी बताओ। सर आपने कुछ वॉइस ओवर भी दिया? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, कहानी तो शुरू ही आपसे होती है। जी जी जी, कहानी है भोपाल की, कहानी है तो भोपाल शहर जो है राजा भोज जी का शहर है। भोपाल तो आप तो जानते हैं कितने सारे वो जो लेक्स बनाए हैं, वो कहते हैं ना कि ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। और राजा भोज ने ही ये सारी चीज़ें की थी वहाँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक वॉइस ओवर से कहानी शुरू होती है, और इस गंगू तिली को राजा भोज बना दिया गया है। तो मैं गाने भी गाया हूँ और उसमें एक वॉइस ओवर मैंने किया है। मैम क्या कहना एक्सपीरियंस बहुत मैम फिल्म में किरदार भी निभाई हैं। यस, आप सीमा, दरअसल हम सारे जो हमारी टीम है उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और हम लोगों ने 8 दिन में मूवी को शूट किया है, जो कि बहुत नामुमकिन सा था। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी सारे परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने 8 दिन में शूट करके कंप्लीट किया है। सो बस आप सबका प्यार, और अभी जब जनता फिल्म देखेगी तो उन सबका सपोर्ट चाहिए। कैसा किरदार रहा है आपका, कुछ बताना? मेरा इसमें मदर का कैरेक्टर है, तो एक जो असहाय माँ बाप होते हैं, मजदूर हैं वो ऑलरेडी, उनकी बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, वो 30 घंटे तक उस बोरवेल के पास बैठे हैं, और वो हर आने वाले से उम्मीद करते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी, मतलब ये उनकी उम्मीद को, एक जो बच्ची आखिरी सांसें ले रही है वो बचा पाए उसको। तो ये सारा स्ट्रगल है माँ बाप का भी, कि वो अपने आप को कितना मजबूर महसूस करते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो कितने तरह के हमें लुभावने अवसर देता है, ऑफर देता है, लेकिन जो मेन जब हमें चाहिए सहायता वो उस वक्त नहीं मिल पाती। कोई एक्सपीरियंस किया आपने या कुछ रिसर्च किया था इन सारी चीज़ों? हाँ, हम लोगों ने काफ़ी सारे, क्योंकि हर साल बच्चों के बोरवेल में गिरने की काफ़ी घटनाएं होती हैं, 500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं हर साल, बच्चे बोरवेल में गिरते हैं। सर्वाइवल का क्या रेशियो होगा, कितने बच पाते हैं, कितने? बहुत कम बच पाते हैं इसमें, बहुत कम बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक बच्चा था जो बोरवेल में गिरा, और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने, हमारा जो फिल्म है वो एक मुद्दा इस तरफ ध्यान ले जाने का भी था, कि हम वैसे तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जब हम बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। सर क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म गैब्रियल वत्स ने जो बना के लाया, यही 8 दिन का जो शूट था, तो जो हमने, मुझे जो देखने को मिला वो, एंड उसके ऊपर पहला काम ही शुरू हुआ म्यूज़िक से। तो सीमा क्रैक्ड अ ब्यूटीफुल लिरिक्स, जो जिससे, एंड फिल्म का विजुअल एंड सब्जेक्ट एवरीथिंग, तो इंस्पिरेशन से, एंड देन द फर्स्ट थॉट दैट केम, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू आस्क शांदा फॉर द वॉइस। एंड करते कराते ऐसा हुआ कि एक गाना, दो गाना, एंड द राजा भोज का कैरेक्टर, तो इट वॉज अ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत ही संतुष्टि मिला हमको काम करके। सीमा का राइटिंग, माटी ओ माटी तू भी तो माँ है री, केम आउट एज अ वेरी टचिंग, तो इंस्पिरेशन से अच्छा हो गया सब कुछ। एंड अभी जब बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैंने ही किया है बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद, पहले भी मैं फिल्म से बहुत इंस्पायर था, फिल्म इज़ रियली लुकिंग अप टू द स्टैंडर्ड।
आई मीन लाइक बाकी तो आप लोग बताएंगे, आई मीन लाइक देखने के बाद पब्लिक ऑडियंस बताएंगे। सर कहीं ना कहीं समाज पे कटास करने का भी जरिया बना है। देयर आर मेनी मेनी प्लॉट्स इन दिस फिल्म। इट्स नॉट ओनली गौरैया का जो सर्वाइवल स्टोरी के साथ साथ सब प्लॉट्स जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली समाज को एक एक झकझोड़ने के लिए थैंक यू। एक लास्ट में हमने डिसाइड किया था एक प्रोमोशनल, क्योंकि एक गाना करेंगे तो जहाँ पे थोड़ा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल होना चाहिए, तो वी हैड एक रॉक टाइप का गाना था, तो वी थॉट ऑफ शॉपटॉक एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी गुड सिंगर मोर देन अ वेरी गुड, तो ई सैंग बोलो अब तुम कुछ। इट्स अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेट कि इस फिल्म में मुझे एक चांस मिला है संजय दा के साथ काम करने का, और जिस फिल्म में हमारे आइडल शान दादा अच्छा गाए हैं, वो बोलने की बात नहीं है, और इट्स वेरी प्राउड प्रिविलेज फॉर मी एंड जितने सारे फनकार यहाँ इस फिल्म में काम कर चुके हैं। दो लाइन हमें सुना दो, मुझे पता है कि गाना रिलीज हो रहा है 21st को, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है एक छोटा टीजर। तोड़ देंगे हम गुरूर तूफानों का, तोड़ देंगे हम घमंड चट्टानों का, तोड़ देंगे हम गुरूर तूफानों का, तोड़ देंगे हम घमंड चट्टानों का। Let it be। एंड ये गाना अगेन सीमा जी ने ही लिखा है, एंड सीमा के साथ भी मेरा बहुत पुराना बहुत गाने उसने लिखे हैं मेरे लिए, एंड एवरी टाइम शी हैज़ रिटन सॉन्ग्स दे टर्न आउट टू बी वेरी स्पेशल। सो दिस टाइम ऑल्सो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही आप लोगों को गाना, जो माटी ओ माटी शानदार वर्शन एंड कीर्ति किलेदार हैज़ सॉन्ग द फीमेल वर्शन, सो कीर्ति किलेदार एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट हियर इन टाउन, तो आप लोग सुनिए। चलिए गाना तो है यहाँ, गाना सुन लेते हैं। गाना तो कैमरा लुक कैमरा लुक सॉरी वो जो VFX उसमें तो कुछ पार्ट VFX का है, बट मैक्सिमम जो है हमने वो उस बोटल को करीब 20 फीट के आसपास का क्रिएट किया था, वो रियल टाइम उसको हमने क्रिएट किया था। सर जिस तरीके से ये आज म्यूजिक लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को जोड़ा और इस तरीके की खूबसूरत सॉन्ग को आज आपने यहाँ पर दिखाया पर्दे पर? लोग तो शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन चीज़ें जो प्रोसेस होना था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि टीम एकदम से नहीं बनती, वो कोई सालों की टीम रहती है। हम लोग 5-6 साल से मैं मेरी टीम के साथ एसोसिएटेड कर रहा हूँ, तो जब चीज़ें करने को आई तो उन्होंने मिलकर बना दिया हमारे साथ। कहाँ पे ये शूट हुआ है और कितना दिन लगा और किस तरीके से एक बच्चे को इस तरीके के किरदार में आप लोगों ने डाला? फिल्म शूट हुई भोपाल में, और ये पूरी फिल्म जो है हमने पूरा सेट बना के किया गया है, ऐसा नहीं कि हमने किसी रियल लोकेशन में जाके शूट किया फिल्म को, ये एक सेट पे एक सेट बनाया गया है जिसपे पूरी फिल्म शूट हुई है। और एक सवाल सर, जैसे कि आजकल के फिल्मों में गाने वेस्टर्न म्यूजिक पे होते हैं और बहुत सारा इसमें मतलब देसी सॉन्ग मिला है, तो ये देसी सॉन्ग किस तरीके का आप लोगों ने लिया जिसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है? वो आप 300-400 मजदूरों का कल्चर दिखा रहे हो जब किसी जगह पे कल्चर बेस्ड फिल्म चलती हैं आजकल, बनती भी हैं, चाहे वो कंतारा हो गई, KGF हो गई, सब अपने अपने कल्चर पे फिल्म बनाई गई है। जब आप एक मजदूरों की कल्चर पे जब आते हैं जहाँ पे 400-500 मजदूरों का कल्चर रह रहा है, तो वहाँ पे आप वेस्टर्न सॉन्ग या कोई भी ऐसा तामझाम वाला गाना जो आजकल के टाइम का होता है वो नहीं प्ले कर सकते, आपको उसी जोनर में जाके काम करना पड़ता है और आप जोनर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो सिचुएशन के हिसाब से और जॉनर के हिसाब से हमने सॉन्ग को क्रिएट किया है। सर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लाइक आज के तारीख में जो भी हम लोग आज वापस से पीछे पे जाते जा रहे हैं, आज अगर आप देखेंगे एक पूरे एक मुंबई सिटी में रहते हुए और आप चाहेंगे कि अगर मैं कोई किसी गांव में जाके मुझे बढ़िया चूल्हे की रोटी और चूल्हे की दाल मिल जाए, तो आज वापस से वही ट्रेंड पलट के आ रहा है। सो हमने भी वही माइंड में रख के इस गाने को पीछे की ट्रेंड में लेके गए, झुमरे तलैया। झुमरी तलैया जो सॉन्ग है हमने कोशिश की थी कि उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत मिनी मतलब बहुत कम से कम रखे, क्योंकि जो ये वाला तबका है मजदूर क्लास का वो ज़्यादातर ढोलक या हारमोनियम ही यूज़ करता है, तो हमने उस गाने में आपने अगर सुना होगा तो सिर्फ ये दो ही इंस्ट्रूमेंट हमने प्ले करे,
और स्वर्णा तिवारी वो नहीं है यहाँ पर जो सिंगर है, उन्होंने बहुत बखूबी बहुत अच्छा गाया हुआ है, तो इस तरह से हमारा गाना बना है सब लोगों के साथ मिलकर। सब पूरा बारंबार आपके सर पे था सर, कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? हाँ, जब गैब्रियल वर्ष से फिल्म लेके हमारे पास आए थे तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक टास्क था कि हम उसको कैसे बना पाएंगे, लेकिन सब लोगों का सहयोग रहा, खासकर हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर निशांत जैन आप यहाँ पे हैं, रोहित सिंह चौहान जी, राजीव जैन जी, रुद्र भैया, रंजीत सिंह जी और तरुण शर्मा जी, इन सब के सहयोग से फिल्म बन पाई और ये एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। देखते हैं अभी मतलब लोगों का क्या रुझान रहता है, लेकिन हमने एक समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्म को बनाया है कि जो बच्चे बोरवेल में गिरते हैं तो उसमें एक समाज का ध्यान आकर्षित हो, प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि लोग जो है जो वो छोड़ देते हैं बोरवेल और ये बना के इसके, और हमने समाज का प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्म को बनाया है। अब लोग ही बता पाएंगे कि फिल्म कितनी अच्छी है और देख रही है कैसे। म्यूजिक का क्या लग रहा है सर, किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर, क्योंकि जान जो होता है सॉन्ग जो होता है मूवी का वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हाँ, पहले तो हमने इस फिल्म को जब बनाया था तो हमारे फिल्म में दो ही गाने थे और दो गाने का शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म बनाते बनाते खासकर सीमा सैनी ने इतनी मेहनत की इस फिल्म में कि उस गानों को 5 गाने तक हम लेके गए और सारे गाने बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमने 2 गाने रिलीज किए हैं तो हमें लोगों का पता चल रहा है, स्नेह मिल रहा, प्यार मिल रहा है लोगों का, तो उससे हमको पता चल रहा है। 2 गाने हमारे रिलीज हुए आज, एक माटी माटी और जुमरी तलैया रिलीज हुआ, एक गाना और 18 तारीख को रिलीज होगा, और इस गाने के माध्यम से भी एक संदेश देने का काम हमने समाज तक किया है। तो थैंक यू सर।